भी दिख रही है पीछे से, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है काफी। यहाँ होता है बम्पर स्कैम, ठीक है। अब मैं स्कैम के बारे में समझाता हूँ आपको, पूरा रूम में आ गया हूँ तो अब आराम से समझा पाऊंगा, वहां समझा नहीं पाता मैं आपको आराम से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। अपन जा रहे हैं आज आइलैंड, ठीक है, अपना फर्स्ट डे आइलैंड का। वैसे पटाया का तो अपना सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया, ठीक है। तो मज़ा बहुत आ रहा है पटाया में एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते और मैं सोच भी नहीं सकता, इससे ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। कल भी हमने दो तीन जगह ऐसी एक्सप्लोर करी जो बिल्कुल अननोन थी लोगों के लिए, जैसे हम सोया सिक्स गए थे और दो तीन जगह गए थे, ठीक है। और कॉन्सर्ट जो चल रहा है यहाँ पे दो दिन से, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। लोकल्स बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि लोकल आर्टिस्ट है ना यहाँ के, इसलिए। तो चलते पास ही है थोड़ा आइलैंड, जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, मैं ही पीछे रह गया हूँ। तीन चार फ्रेंड हैं हमारे साथ जो सारे गए हैं और हम यहीं पे हैं, और पारस भाई भी हमें कल मिले थे, और दो दिन बाद अपन पारस भाई के साथ ही जा रहे हैं, कहीं घूमने का प्लान बन रहा है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। सो पहुँच गए अपन जहाँ पे अपन को शिफ्ट मिलेगी, सामने ही है, यहाँ से फेरी जाती हैं बेसिकली, तो उसी से जाने वाले हैं अपन शायद, पता चलेगा। और सामने खड़ी हुई हैं बोट्स काफ़ी सारी। भाई मॉर्निंग का व्यू तो यार यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कैंट रहता है, और एक इवनिंग का वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं काफ़ी सारे इस वक्त भी। यहीं का ही मनी भाई इंतजार कर रहा हूँ अपना, देखते हैं कहाँ पर है। सो जो बोट खड़ी हुई है, इसी बोट पे हम जाने वाले हैं, ठीक है। चीप ही रहती है बोट यहाँ से, प्राइस मैं भी बता दूंगा आपको क्या है, ठीक है। और यहाँ से लगभग दो घंटे की राइड रहेगी बाय दिस बोट, ताकि हम आइलैंड पहुँच जाएँ और उसके बाद वहाँ पे मज़े मारेंगे। पहली बार अपन जा रहे हैं आइलैंड, मैं आज तक कभी आइलैंड नहीं गया हूँ कोई भी। चलते हैं। सो लगभग हर घंटे के बाद एक फेरी जाती है यहाँ से, और 30 बाट्स हैं फॉर वन टिकट। बड़े सारे लोग हैं अब यार जाने वाले, अपने मनी भाई पीछे बैठे हुए हैं, चलते हैं। पूरी बोट हिल रही है, काफ़ी बड़ी भी है। चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब डेढ़ घंटा करीब लग जाएगा हमें यहाँ से पहुँचने में आइलैंड। सो आज संडे है ना, जिस दिन हम जा रहे हैं तो संडे को काफ़ी क्राउड होता है वहाँ पे, और मॉर्निंग में हम दो तीन शिफ्ट जा चुके हैं और वहाँ पे आज काफ़ी टूरिस्ट भी होगा। तो मज़ा आने वाला है, पहली बार अपना आइलैंड जा रहे हैं, जो अपनी चल चुकी है यहाँ से। और यहाँ पे ना लाइफ जैकेट्स भी हैं, 30 बार्स में लाइफ जैकेट भी है, सेफ्टी बेल्ट जिन लोगों को पहने हैं मैंने वो पहने हुए हैं, जिनको नहीं आती है स्विमिंग शायद तो उस वजह से उन लोगों ने नहीं पहना हुआ, अपन ने तो नहीं पहनी हुई है। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, दूर दूर तक छोटे छोटे से पहाड़ दिख रहे हैं। पटाया सिटी दिख रही है पीछे से, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है काफ़ी, नज़ारे बहुत हैं यहाँ पे यार, जितने मर्जी देख लो उतने नज़ारे ही नज़ारे हैं। अब बनना खड़े हुए हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, पीछे से बहुत व्यू मिल रहा है, साइड विंडो सीट नहीं मिली ना मैं तो सेंटर से पूरे मज़े लिए जा रहे हैं। फाइनली अपने दोस्तों उतरने का समय आ गया, ठीक है, और मज़ा बहुत आया जेन्युइनली बताऊँ, फर्स्ट टाइम था अपना ऐसे शिप में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ना ज़्यादातर लोकल्स ही हैं, इंडियंस तो बहुत कम है,
इस राइड पे तो कम से कम नीचे जाके देखते हैं क्या। तो ये सारा कॉकपिट था अपना शिप का। ओ नीचे भी जगह थी, नीचे भी बहुत सारे लोग थे। सो हमारे साथ भी एक फ्रेंड जुड़ा है जो वैसे तो है पताया का ही, पर रहते ज़्यादातर अपना दुबई में है। सो अभी इनका वापस आया हुआ अपने घर के तरफ, तो मिले थे। और बर्न अभी जैसे बाहर उतर रहे हैं ना, तो बता रहे थे कि लोग वोमिट फील करते हैं क्योंकि शिप पे, पर अपने को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। पता नहीं किस मिट्टी के बने अपन या किस चीज़ के बने अपन, पेन वेन कुछ नहीं होता। पहाड़ों में भी जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लोगों को पहाड़ों में जाके भी उल्टियाँ आती हैं, सी कोस्ट में भी जाके उल्टियाँ आती हैं, अपन को नहीं आती। अपन तो कहीं भी चले जाते हैं मस्त आराम से, टच वुड ना आए भी, ठीक है। और आज ना अपन वाटर केस लगाने वाले हैं गोप्रो पे अपने, और फिर पानी के अंदर घुसने वाले हैं, बड़े मज़े करने वाले हैं। और व्यू तो यार इतना प्यारा है जिसकी हद ही नहीं यार, बहुत प्यारा। ज़्यादातर लोकल्स ही हैं यहाँ पे, या फिर ये समझ लो फॉरनर्स हैं, ठीक है। इंडियंस नहीं हैं अपने यहाँ पे, इंडियंस बहुत कम है, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं दो तीन दिन में। यहाँ पे ना बुद्धिज़्म के टेंपल्स बहुत सारे हैं, एक नहीं कई सारे हैं, ठीक है। और एक जगह पे तो माउंटेन के अंदर बुद्धा बना हुआ है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं भाई, इतनी चीज़ें हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और टूरिज़्म पे पूरा बेस है थाईलैंड, और बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सुंदर है। मतलब जब कोविड था ना तो यहाँ पे लोगों की अकाली आ गई थी ऐसी समझ लो, क्योंकि इस ये तो पूरा ही टूरिज़्म पे बेस था, तो आपको समझ ही सकते हो कैसा हाल रहा होगा। तो यहाँ बिकनी मिल रही है लड़कियों के लिए, और अंडर वाटर के लिए जो सामान होता है ना फेस पे कवर करने के लिए और चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब जितना भी रिलेटेड अंडर वाटर स्पोर्ट्स होता है ना, उसका सामान मिल रहा है सारा। सो अपन ना आ गए पीछे, एक बैठने के लिए जगह बनाई हुई है उन्होंने, 50 बात लेते हैं पर हेड, ठीक है। और सामने पूरा सी है, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं, वाटर स्पोर्ट करेंगे मस्त। सो क्या हाल है दोस्तों, वाटर केस लग चुका है अपना, वॉइस क्वालिटी की अभी पता नहीं है, देखते हैं कैसी रहती है। प्यारा समुंदर है, ठीक है, लोकल्स बहुत है यहाँ पे, और पूरा पानी यार वाइट है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे अपने गोवा में होता ना तो वो थोड़ा ब्लैक शेड में होता है, यहाँ सफ़ेद है बिल्कुल, पानी साफ देख रहे हो। एक बार वॉइस क्वालिटी चेक करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों वॉइस क्वालिटी जेन्युइनली बढ़िया आ रही है, ऑर्डर कैसे पहली बार अपन ने यूज़ किया है। आज तो भीड़ बहुत कम है, संडे है तब भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आज कम है काफ़ी भीड़। ओ पानी इतना साफ देख रहे हो, बिल्कुल साफ पानी है, देखो दिख रहा है मेरा हाथ, दिख रहा होगा आपको। सो लोकल्स हैं सारे यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादातर लोकल्स ही हैं, और हम ही दो आए हुए हैं। इंडियंस तो यहाँ देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन साफ़ सुथरा है माहौल। पता क्या है, लोग यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, फॉरनर्स जितने भी आते हैं, इंडियन जितने भी आते हैं ना, वो ना पटाया और सिर्फ बैंकॉक ही एक्सप्लोर करते हैं, और चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हैं। और चीज़ें देखने के लिए भी बहुत है, जैसे कोरल आइलैंड्स, और दो तीन जगह हैं यहाँ पे देखने के लिए, आइलैंड्स हैं और अलग अलग सिटीज़ हैं, गांव भी हैं यहाँ पे, बहुत चीज़ें हैं। अपने पास ना थोड़ा टाइम कम है, अगर टाइम की कमी ना हो ना अपन बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करवाएं आपको, ठीक है। 15 दिन का वीज़ा मिला है अभी, और उसके बाद अपन दूसरी कंट्री जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा कम है टाइम। वैसे हम वापस आएंगे थाईलैंड, उसके बाद ढंग से एक्सप्लोर करवा के आपको दिखाएंगे, क्योंकि वीज़ा लेके आएंगे स्टिकर वीज़ा जो होता है लगभग 2 महीने का, तो अपन तब आराम से रहने वाले हैं यहाँ पे अच्छे खासे दिन। और आज क्या है ना सीन, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की, लोग क्या करते हैं इंडियंस या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ना बीच के किनारे में लड़कियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ से लड़की हायर करते हैं और बस वो एक ही चीज़ करते हैं और चले जाते हैं। और पता है क्या है यहाँ पे, कि मिथ बनी हुई है कि इन्हीं चीज़ों के लिए है और यही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। और एक बात हो ना, आप अगर लोकल्स के साथ रहते हो यहाँ पे, जैसे हमारे साथ मनी भाई की एक फ्रेंड है, जैसे वो डेंटिस्ट है यहाँ पे, या आप ये कह सकते हो जो अभी एक शेफ़ है, ठीक है, लड़की वो दुबई रहती है, जो मेरे साथ अभी मैंने आपको मिलाया ना, ठीक है, वो तो उन लोगों से आपको जब बात करोगे तो पहले तो बहुत फ्रैंक है, वो स्कैम नहीं करेंगे आपके साथ, जैसे नॉर्मली स्कैम यहाँ बहुत होते हैं,
ठीक है, अगर आपने जैसे हायर करी लड़की, आपकी कुछ भी एक्स वाई जेड बात हुई उससे, ठीक है, और फिर वो डबल ट्रिपल हो गए, आप बार में गए, बार में स्कैम होता है, आपने ऑर्डर की बियर्स, थोड़ी देर में आपके पास कोई लड़की आ जाएगी, फिर आपके आप उससे आपसे बियर मांगेगी, आप ऑफर कर दोगे, नॉर्मली कर ही देता आदमी यार एक बियर के लिए, फिर आपको पता नहीं चलेगा बियर का प्राइस क्या है, बियर बहुत एक्सपेंसिव होगी, फिर आपका बिल बनना चाहिए था कुछ और बन जाएगा 5 गुना ज़्यादा। तो ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं, ठीक है, स्की बोर्ड वाला स्कैम, और उल्टे कल टुक टुक का स्कैम होने वाला था हमारे साथ, जैसे उन्होंने हमें समझ लिया हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमें नहीं पता है, टुक टुक ना सिर्फ 10 रुपये होता है, 10 बाट का, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह छोड़ता है 10 बाट में बस। पर उसने आगे ना स्पेशल पूछा कहाँ जाना है, तो हमने 106 बताया उसे, फिर उसे थाई में बात करी थी पारस भाई ने, तो उसे समझ में आ गया कि हम यहीं के हैं लगभग, मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तो उसने हमारे साथ स्कैम नहीं किया, उसने हमारे साथ स्कैम नहीं किया, नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं, स्कैम कर देते हैं, तो 10 रुपये के जगह 200 बाट मांग लेंगे, इस प्राइवेट तो हमारे लिए किया है ऐसे, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना, पता नहीं चलेगा आपके साथ कब क्या स्कैम होने वाला है, तो यहाँ होते बहुत हैं स्कैम, ठीक है, जिनमें से हमारा जब हम लैंड ही कर रहे थे ना, तो हमें 200 बाट का फटका पड़ा था, वो वाला सीन, तो ऐसे बहुत सीन है यहाँ पे। चलते हैं पानी के अंदर, आपको भी मजे कराते हैं, आ जाओ, काफी देर हो गई बातें करते करते, है ना। पानी अंदर तो नहीं गया वाटर केस में, सेफ है बिल्कुल, कैमरा हमारा ठीक है। दोस्तों सन निकल आया, ऊपर धूप निकल आई है, ठीक है, सूरज निकल आया, तो स्किन जलती है यहाँ पे, तो ध्यान से ना सनस्क्रीन लगा के आना, मैंने तो लगाई हुई है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लगा के ज़रूर आना। पानी के अंदर उसका मज़ा बहुत है, लेकिन नमकीन था पूरा पानी, ठीक है, मुँह में पानी लिया ना तो पूरा नमकीन नमकीन हो गया मुँह। सो थोड़े से लोग आ गए हैं अब, पहले थोड़े कम था क्राउड, क्योंकि जैसे जैसे शाम बढ़ रही है तो शिप्स और आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से लोग लेट निकलते होंगे, इस वजह से इस वक्त लोग आना स्टार्ट हो रहे हैं। पता है यहाँ पूरा सेफ है, इस यहाँ ज़्यादा हाइट नहीं है, वहाँ निशान बना हुआ है, वहाँ तक ज़्यादा हाइट नहीं है, आप जा सकते हो आराम से पानी के अंदर। भाई मज़ा तो इतना ज़्यादा आ रहा है ना, पानी इतना मज़ा है, मज़ेदार है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लोग मज़े बहुत कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत कम क्राउड है यूजुअल। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, देखो पानी के अंदर ऊपर लेटे हुए पानी में, सही मज़े ले रहे हैं। हेलो, पानी बिल्कुल चमकता हुआ आराम से मिल जाएगा, पर ये है ना यार, पानी आ रहा है और जा रहा है तो फिर नहीं मिलेगा, गेम्स है ना। तो भाई इन्होंने तो पहले ही खाना खा लिया है, और अपन ने तो मतलब पानी में ही नहा रहे थे, तो खाना खाने में मन नहीं गया, और मुंह ना पानी ना नमकीन से भर गया, नमकीन वाले पानी से, तो खाने तो वैसे ही मन नहीं कर रहा, आधे पेट में चला गया है पूरी, मतलब कहते ना पूरे मौज लिया आज अपने अपनी ज़िंदगी की, और लोग भी बहुत मौज ले रहे हैं। आओ थोड़ा बाहर से सर्व कर लेते हैं, क्योंकि यार मेरा ना जो केस है ना उसके बारे में धुंधला हो जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे को उसमें कोई रिकॉर्डिंग करने का फ़ायदा हो रहा होगा, कि ब्लर्ड आ रहा होगा सब कुछ, इसलिए तो चलते हैं बिना वाटर केस के, ट्रैवल करते हैं और मजे लेते हैं भारी बार से समुंदर के। सो जब अपन आए थे यहाँ पे, तब यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जितने इस वक्त हैं, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी क्राउड है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब यहाँ पर आ गए पटाया से, पर ठीक है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, डिसेंसी ज़्यादा है और सब लोग अपने अपने में मस्त है और मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे ज़िंदगी नज़ारे लिए जा रहे हैं, लेट के पूरे ऐसे लेटे हुए जैसे परवाह ही नहीं दुनिया की क्या हो रहा है। सही है, मतलब यार लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे ना, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं लगभग, हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और जेन्युइनली बताऊँ ना, एक्सप्लोर करने को बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें ना मैंने सोचा नहीं था मैं कभी लाइफ में एक्सप्लोर कर पाऊँगा, पर कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपके लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो लगातार मन करता है कि कुछ और नया करके देखूँ, कुछ और नया करके देखूँ, तो उससे ना एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो रही है मेरी लाइफ।
तो छोटे छोटे बच्चों के लिए ना खेलने लिए सामान बना रखा, किले बनाते हैं ना लोग वही, तो उसका पूरा सामान है यहाँ पे, सैंड से किला बना देंगे। बचपन में अम्बी होते थे तो अम्बी ऐसे ही खेलते थे, तो बहुत मज़े लगभग हो रहे हैं। देखो छोटा सा बच्चा वहाँ पे भी खेल रहा है। लगभग सब अपनी ज़िंदगी नज़ारे ले रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं लोग, पूरा चिल कर रहे हैं। आधा एक घंटा तो हमें हो चुका है यहाँ पे पानी के अंदर, एक घंटा मैंने बिता लिया, एक घंटा बाहर घूमते घूमते बिता लिया। लोगों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग वहाँ पे हैं, ये लोग फोटोज़ खींच रहे हैं अपनी, सब अपने मस्त है। बहुत बढ़िया जगह है क्योंकि यहाँ पे ना वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे में देखो वहाँ ना बोट्स चल रही हैं, स्पीड बोट्स और बाइक्स हैं, वाटर बाइक्स। तो पूरे झिक्के मज़े किए जा रहे हैं यहाँ पे तो। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत अलग ही वाइब है यहाँ की। सो अपन निकल चढ़े हैं वापस, थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएंगे मनी भाई और वो, क्योंकि यार मुझे तो लेना है शावर और मुझे ना कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि कल हमें निकलना है यहाँ से बैंकॉक के लिए। तो यार कपड़े हो गए 3-4, मतलब 5-6 तो गंदे हो चुके थे कपड़े, काफ़ी कपड़े गंदे हैं। पर यार पता है क्या है, जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार, इतनी खूबसूरत जगह ना और इतना क्राउड आ चुका। तो यार यहाँ पे लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं क्या बताऊँ, लेकिन क्या बताऊँ, पूरे कपड़े यार गीले हो गए और इतनी हीट है ना यहाँ पे, मैंने 2 बार सनस्क्रीन लगा चुका हूँ और पानी पूरा नमक वाला है। मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन जब पहले पहले स्टार्टिंग में मज़ा आता है, फिर बाद में मज़ा ऐसा हो जाता है किरकिरा टाइप का। तो लगभग अभी भी सब मज़े ही ले रहे हैं भाई। ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये कम से कम हमारे साथ ही फेरी में आई थी, इन्हें हो गए 2 घंटे, 2 घंटे से अभी तक पानी से नहीं निकली हैं, हद हो गई। मतलब यार इतना शौक है ना लोगों को भाई, ऐश ने ऐश इतने लोग ले रहे हैं, ज़िंदगी मौज हो रही है पूरी पूरी। देखो उधर छोटे छोटे से बच्चे खेल रहे हैं, मस्त अपने 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 मज़े लिए जा रहे हैं। और ये बहुत देर से टिकटॉक्स बना रही हैं, वो भी टिकटॉक बना रहा है, सब पूरे मज़े ले रहे हैं। चेक के वाला अपन को पूरा हो गया होगा यहाँ पे 4 घंटे होगा पूरे, 4 घंटे से ऐसे ही कुछ सब मज़े ले रहे हैं पूरे झिक्के। यहाँ पे भी वैसे शावर ले सकते हैं, लेकिन कपड़े अपने तो वहीं पड़े रूम पे, तो कपड़े तो चाहिए चेंज करने के लिए, तो फिर रूम पे ही चलते हैं। एक चीज़ बता दूँ, पटाया से थोड़ा बहुत महंगा पड़ता है ये जगह, ठीक है, आइलैंड थोड़े महंगे पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ना सामान आता है तो महंगा हो जाता है और कुछ नहीं है, तो ये चीज़ समझ के चलना। जैसे वहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जाम्पल समझ लो 10 बात की आ रही है, तो यहाँ 20 बात की आएगी, जस्ट डबल का रेट हो जाता है ये समझ लो। तो ऐसे ही हर चीज़ के साथ होगा, फ्रूट्स में भी, सॉसेजेस में भी, और कुछ भी एक्सपेंसिव जो भी चीज़ आप चाहिए वो सब। पर यहाँ का ना व्यू इतना प्यारा होता है कि मस्ट कम है, यहाँ आना ज़रूर, क्योंकि आप खुद देखो ना पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है, तो आना तो बनता है यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं बिना आए यहाँ पे रहा जाए। अगर आप पटाया आए हो तो पटाया के पास यहाँ पे, यहाँ पर आप 30 बार में पहुँच जाओगे, तो सस्ता ही है यार, फिर तो आराम से आना बनता ही है आप लोगों का। तो चलते हैं, वैसे 30 बार दे के वापस भी चल सकते हैं अपन। तो ऐसी फेरीज होती हैं जो वहाँ से यहाँ आती हैं, ठीक है, एक बार एक फेरीज से आपको आने का 30 बार टाइम बता ही चुका हूँ आपको, और टाइम लगता है इसमें थोड़ा। और दूसरा ऑप्शन पता है क्या, छोटी छोटी स्पीड बोट्स भी हैं अभी, वो उधर से जाती हैं, ठीक है, अलग से 100 रुपये लेते हैं वो पर हेड बंदे से, तो इससे एक्सपेंसिव होती है लेकिन वो बहुत जल्दी छोड़ देती है, और कुछ नहीं है, पर ये भी ठीक है इससे जाना भी। तो अपनी बोट बिल्कुल खाली पड़ी है क्योंकि अभी आधा घंटा है बोट को जाने में, 3 बजे जाएगी यहाँ से बोट, 1-1 घंटे बाद होती है, 2 बजे एक चली गई, 3, फिर उसके बाद 4, ऐसे 1-1 घंटे बाद होती है पूरी। तो अगर आप बोट से जो प्रेफर करोगे तो काफ़ी सस्ता है, वैसे तो मैंने आपको बताई दिया 100 बाट का पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा बचा अपने पास, आधा घंटा बैठ के यहाँ टाइम पास कर लेंगे, अब तक एडिटिंग कर लेंगे तो पहुँच ही जाएंगे आराम से। जूते खाते खाते नींद आने लग गई है यार, काफ़ी देर चल रही है पूरी बोट लेट। तो अपन लौट के आ चुके हैं पटाया, और पटाया आने के पहले एक बार अपने साथ ऐसा हो गया कि लग रहा था कि आज तो जान गई, कि बोट ना ऐसे 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 बहुत हिल रही थी, ठीक है, सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी, उस वो थी सम अराउंड 45 डिग्री पे थी पूरी टिल्टेड, तो काफ़ी टिल्टेड थी वो, ठीक है। तो चलते हैं वापस रूम में, रूम में नहाना भी पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर सारे कपड़े वपड़े गंदे हो गए अपने, और चेंज भी करना पड़ेगा, वैसे सुबह भी नहा लिया तब शाम को भी नहाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बार नहाना पड़ रहा है।
सो दोस्तों हम आए थे अकाउंट में से पैसे निकालने अपने। सो 10,000 baht हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंडियन करेंसी में 25,000 के आसपास निकाल रहे हैं हम। ये मैंने अपना कार्ड अंदर डाल दिया है यहाँ पे, इंग्लिश। सो ऑप्शन कनेक्ट करते जा रहा हूं मैं। ओ तो दोस्तों हम अपने अकाउंट में से पैसे निकालने के लिए आए थे यहाँ पे बाहर, और अकाउंट में से ना अपन को निकालने 10,000। देखना कितने पैसे कटते हैं अपने 10,000 निकालने के लिए। अच्छा इंग्लिश ये ऑप्शन है फर्स्ट हमारा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है अपन को पिन डालनी है, 2 सेकंड रुकना। हाँ पिन अपन ने डाल ली, ठीक है। अब अपन विड्रॉल पर हाथ दबा रहे हैं, ठीक है। 10,000 अपन को निकालने हैं, ये रहा ऑप्शन 10,000 का। सो 10,000 ढाई बाट निकालने के लिए हमें 220 बाट देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्ज, ठीक है। यस कर दिया मैंने, ट्रांजैक्शन कैंसिल, प्लीज कलेक्ट। कोई इशू हो गया लगता है भाई। सो वैसे तो अपना ग्लोबल कार्ड है और इंटरनेशनल बैंकिंग ऑन करा के आया था, सिम भी ऑन है मेरी, पर पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। बात करनी पड़ेगी घर वालों से, देखते हैं, बात करते हैं, बैंक में जाएंगे शायद रूम से बात कर लेंगे तो बदल जाएगा क्या रीज़न है, अभी तक तो पता नहीं है क्या दिक्कत। मोहतरमा तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है।
वाइज गाइज एक बात बता दूं आपको, ये जो आज हो रहा था ना वो था एक स्कैम, ठीक है। स्कैम के बारे में बताने के लिए लेके गया था मैं आपको वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, क्लब में आप जाते हो, बैठते हो, एक लेडी आपके पास आती है और दो चार ड्रिंक ऑर्डर करती है, यहाँ होता है बम्पर स्कैम, ठीक है। अब मैं स्कैम के बारे में समझाता हूँ आपको, पूरा रूम में आ गया तो अब आराम से समझा पाऊंगा, वहाँ समझा नहीं पाता मैं आपको आराम से, क्योंकि आवाज़ें ज़्यादा होती है ना इसलिए, वहाँ पर सब चिल्ला रहे होते हैं इसलिए। मैं आदमी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर से देख लो, आपने पहले वीडियो देख लो होंगे, एक बार फिर देख लो आदमी। तो हाँ, ये अफ्रीकन था एक बंदा, ठीक है, और इसको कम से कम 5 से 10 लड़कियों ने घेर रखा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उसके इन्होंने क्या किया, 10,000 बाट्स इंडियन INR में समझ लो आप, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये उसके मात्र एक घंटे के अंदर उससे लेगा लिए गए, एक तरीके से समझ लो उसके साथ वो मोटा स्कैम, 24,000 रुपये खत्म, ठीक है। ऐसे स्कैम आपने सुने कभी, 24,000 रुपये एक सेकंड में खत्म, गलती क्या है भाई, उससे प्यार प्यार से सिर्फ एक घंटी खिंचवाएंगे और उससे लगवा लेंगे ड्रिंक्स, ठीक है। वो ड्रिंक नहीं होती ओरिजिनल, वो होती सिर्फ निरी पानी, ठीक है। तो आपका पूरा ही पोपट कटता है, आपको लगता है कि आपने लड़की टल्ली कर दी या उसे टल्ली करके आपको फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा आपका, वो आपको कट रहा पपट कर रहा वाला। तो वहाँ ना किसी को ऑफर करो ना कुछ। और हाँ, एक लेडी ऑफर दिखा रहा हूँ जो मेरे साथ थी, ये वाली जो आपने देखी होगी जस्ट अभी, ये लेडी मेरा पोपट काटने आई थी, ठीक है। इसने स्टार्टिंग करी थी एक ड्रिंक से, ऐसे कटता है पहले पोपट, पहले स्टार्टिंग में मांगती है लड़कियां एक ड्रिंक, जैसे आप एक ड्रिंक ऑफर करते हो वो आपकी कैपेसिटी चेक करते हैं, दूसरी ड्रिंक ऑर्डर कर देती हैं, आप तब भी ऑर्डर कर देते हो, हाँ हाँ, फिर समझ जाते हैं आप फुद्दू, फिर आपको काटते हैं मोटा सीधा जंजीर खिंचा के। दिखा देता हूँ जंजीर पर क्या लिखा था और क्या है वो जंजीर, देख लो, नहीं तो नीचे मेंशन भी कर दूंगा अगर फोटो में क्लियर नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। तो ये था जंजीर पे लिखा हुआ कि आपसे रस्सी खिंचवाएंगे और लड़कियों की सबकी ड्रिंक एक साथ ऑर्डर करवाएंगे, और ड्रिंक में होता कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पी रहे होते हैं वोडका, और वोडका होता है निरा पानी। सो एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं लास्ट, कि भाई मेरे कार्ड से तो पैसा निकला नहीं, मैंने इंटरनेशनल बैंक चालू करी थी, स्टेट बैंक की, सबसे बेकार बैंक है स्टेट बैंक, कभी कोई इससे अपना अकाउंट मत खोलना इसमें, ठीक है। एक ढीले का काम नहीं करते साले, दुखी कर रखा है इन लोगों ने, बहुत गंदा, मैं कम से कम 6-7 बार हो गया हूँ, ठीक है। और मेरी इंटरनेशनल बैंक ऑन नहीं करी है, मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, अब मेरा मुश्किल से पेटीएम चलता है, वो भी इंडियन अकाउंट के अंदर जा रहा है उससे पैसा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अकाउंट से भाई के अकाउंट में पैसा भेजा और भाई के अकाउंट से कैश निकाला, ये करना पड़ा मुझे आज, बताओ कैसी मुसीबत है ना। सो गाइस, वीडियो एंड करने का टाइम आ गया, काफी अच्छा और काफी लंबा वीडियो रहा होगा, इसमें दो चीजें कवर कर दी हमने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके मत जाना। करके जाना यार मेरे भाइयों, प्लीज।